दांतों के इलाज के लिए अब शहर के बाहर क्यों जाना, सीधे डेंटल केयर वर्ल्ड पर चले आना, क्योंकि यहां होता है दांतों की सभी समस्याओं का इलाज। डेंटल केयर वर्ल्ड, रिलायंस फ्रेश के सामने, चंद्रनगर, ब्यावर रोड, चुंगी चौकी, अजमेर। आज ही फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करें 8005820862। सुनिए, ये हम सब जने जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश का जो अन्नदाता है, अगर अन्नदाता किसी बात के लिए सड़कों पर उतर कर आ रहा है तो उसी के मत से बनी हुई सरकार उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है, मुद्दा ये है। और जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोही ठहराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सितंबर माह में 2020 के अंदर 3 बिल पारित होते हैं और एक कृषि किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक है, एक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक मूल्य आश्वासन है, एक सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक है। इन तीनों विधेयक को लेकर के किसान विचलित है। सबसे पहले तो राज्यों को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कृषि है वो हमारी स्टेट की सूची से है, स्टेट की सूची में, उनको ये लग रहा है कि हमारे अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप है ये केंद्र का। दूसरा, किसानों का जो डर है वो ये है कि MSP का क्या हुआ यदि, क्योंकि हमारा जो मेनली जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बेस्ड किस पर है, मौसम के ऊपर। अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमारा किसान बेचारा ख़राब हो जाता है, उसकी फसलें ख़राब हो जाती है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो इन लोग को ये डर है कि अगर मौसम ख़राब हुआ, किसी भी कारणवश फसल की गुणवत्ता कम हुई, तो क्या उनकी फसलों को खरीदा जाएगा, उनके उत्पाद को खरीदा जाएगा। किसान की कुछ एक डर है ये कि बिचौलिए तो वो पहले भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपने बड़े बिचौलिए दे दिए हैं, उनको ये डर है कि बड़े बिचौलिए हैं। अगर ये सब है, सरकार बोल रही है MSP भी मिलेगा, सरकार बोल रही है FCI भी खरीदेगा, तो सरकार उस पर कानून क्यों नहीं बना रही, उनका डर दूर क्यों नहीं कर रही, मुद्दा ये है किसानों की तरफ से। इसके बाद अगर हम अपन आम नागरिक के तरीके से देखते हैं तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने वो जो एक ये है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं, उसके अंदर से आवश्यक वस्तुओं में से खाद्य पदार्थ को निकाल दिया है। जब खाद्य पदार्थ को वहाँ से निकाल दिया गया उस सूची में से, तो अब क्या है, अगर 100% राइज नहीं होता है तो वो पेरिशेबल आइटम्स के अंदर सरकार कुछ नहीं हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर नॉन पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उसमें अगर 50% वृद्धि नहीं होती है तो सरकार उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर ऐसा ही रहा तो बताइए, एक आम नागरिक, आपकी और हमारी जो ज़िंदगी है वो भी तो ख़राब होगी। तो यही डर है, इन्हीं के लिए आम आदमी पार्टी किसानों के इसका समर्थन करती है और कल जो राष्ट्रव्यापी बंद होने वाला है उसका पूर्ण समर्थन है आम आदमी पार्टी की ओर से।